आज मैं आपको बताऊंगा कि हम हाइपर बीम में दो सर्वर और क्लाइंट को आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सर्वर लिया है 2012 एंड क्लाइंट मशीन बनाई है मैंने 8.1 विंडो। तो अब हम इन दोनों के बीच में एक वर्चुअल स्विच क्रिएट करते हैं जिससे ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो वर्चुअल स्विच क्रिएट करने के लिए हमें वर्चुअल स्विच मैनेजर में जाएंगे। यहाँ पे हम तीन टाइप मिलेंगे हमें, एक्सटर्नल, इंटरनल और प्राइवेट। प्राइवेट पे क्लिक करके हम इसका क्रिएट वर्चुअल स्विच करेंगे और यहाँ पे हम नाम दे देंगे इसको लैन वर्चुअल स्विच। और उसके बाद अप्लाई एंड कर दिया। अब हम इन दोनों मशीनों को उस लैन वर्चुअल स्विच से कनेक्ट करेंगे। तो हमें उसके लिए पहले सर्वर पे जाना है। सर्वर पे जाने के बाद हमें राइट क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाके नेटवर्क एंड एडाप्टर्स इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने जो वर्चुअल स्विच बनाया है उसको कनेक्ट करेंगे, लैन वर्चुअल स्विच को कनेक्ट कर देंगे एंड देन अप्लाई एंड देन ओके। उसी तरह हम क्लाइंट मशीन को भी कनेक्ट करेंगे। सेटिंग्स में जाएंगे, नेटवर्क एडाप्टर्स में जाएंगे एंड नॉट कनेक्टेड की जगह कर देंगे लैन वर्चुअल स्विच, देन अप्लाई एंड ओके। तो ये था कि हमारा एक वर्चुअल स्विच क्रिएट करने के बाद हमने दोनों मशीन्स को उसके साथ कनेक्ट किया। अब इसके बाद हम इसमें आईपी असाइन करवाएंगे दोनों मशीन्स को आपस में कनेक्ट करने के बाद। तो हम पहले जाएंगे सर्वर में, सर्वर स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू, सर्वर विंडो को स्टार्ट करने के बाद हम इसको साइन इन करेंगे। तो साइन इन करने के जो हमने पासवर्ड रखा होगा वो डालेंगे। देन इसको रन ओपन होने के बाद हम आगे विंडो सर्वर 2012 R2 में जो हमने वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल एज ए सर्वर इंस्टॉल किया है। इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, इसको मिनिमाइज, इसको फुल स्क्रीन करेंगे, देन विंडो आर दबा के ncpa.cpl ncpa.cpl कमांड लगा के एंटर करेंगे। ये हमें इथरनेट कनेक्शन में ले जाएगा। हमने एक वर्चुअल स्विच बनाया था जिसके साथ हम कनेक्ट हो चुके हैं, पर हम इसको अभी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसमें आईपी असाइन नहीं करी हुई है। तो जब तक आईपी असाइन नहीं होगी तब तक ये वर्क नहीं करेगा। तो आईपी असाइन करने के लिए हमें इथरनेट की प्रॉपर्टीज़ में जाना है। इसके बाद IPv4 सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पे मैंने आईपी असाइन कर रखी है पहले से। तो ये देखिए एक आईपी असाइन क्या करी हुई है मैंने, 172.168.0.0.1। उसका सबनेट मास्क क्या होगा, 220.255.255.00। डिफ़ॉल्ट गेटवे हम खाली रखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर एड्रेस, हम देंगे DNS एड्रेस सर्वर, इसको 127.0.0.1 दिया। उसके बाद हम ओके कर देंगे, इसका क्लोज एंड देन गो बैक। ये हमारा सर्वर का डैशबोर्ड है, ये हमें हर सर्वर में मिलता है जैसे कोई भी हो, 2003, 2008, 2012। तो अब हम एज इट इज़ काम आईपी साइन करने का जाएंगे हम क्लाइंट मशीन में। इधर भी वही काम करेंगे, विंडो आर दबा के ncpa.cpl नाम की कमांड लगाएंगे और एंटर करेंगे।
ये थोड़ा कमांड लेने में टाइम लेगा। यहाँ पे इथरनेट का कनेक्शन आ गया है। अब हम इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे इसकी। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हम IPv4 सेलेक्ट करेंगे एंड देन गो टू प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे हम यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, हमने सर्वर में दिया था 172.168.0.1, तो हम इसको देंगे 2, क्योंकि सेम आईपी एड्रेस वर्क नहीं करेगा, सबनेट मास्क ऑटोमेटिक उठाएगा। उसके बाद हम DNS सर्वर में देंगे इसको 172.168.0.1। ये वन हमने इसलिए दिया क्योंकि DNS सर्वर तो नेटवर्क होगा, तो वन हमारा नेटवर्क है, जो हमने सर्वर में आईपी एड्रेस असाइन किया है वो हमारा नेटवर्क है। ओके करेंगे देन ओके। अब हम चेक करने के लिए क्या करेंगे कि हमारा जो नेटवर्क है वो आपस में कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, तो हम उसके लिए लगाएंगे विंडो आर CMD एंड पिंग कमांड लगा के हम चेक करेंगे कि हमारा जो नेटवर्क है वो आपस में कनेक्ट हुआ है या नहीं। अगर रिप्लाई आता है तो समझ लीजिए कनेक्ट हो चुका है, हमारा जो है आपस में दोनों में कनेक्शन हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आईपी असाइन कर दिया है। इस तरह से हम आईपी असाइन करते हैं और वर्चुअल स्विच क्रिएट करते हैं सर्वर और क्लाइंट के बीच में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम एडी डायरेक्टरी कैसे इंस्टॉल करेंगे सर्वर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल।